हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 12। वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, देन फाइंड इट्स डायमेंशंस इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। सो यू ऑलरेडी नो दैट दीज एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू द मैक्सिमा एंड मिनिमा कंसेप्ट। इन दिस एग्जाम्पल यू आर गिवन द वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर एंड इट्स बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। मतलब ये एक वायर है और टोटल जो उसकी लेंथ है वो 36 मीटर है, तो हमें उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है। तो वी डिवाइड इट इनटू फोर पार्ट। दैट्स व्हाई इट कैन बी बेंड एंड कन्वर्ट इनटू द रेक्टेंगल लाइक दिस वन। सो ये टोटल लेंथ 36 मीटर है, मतलब ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर, बिकॉज ये वायर ही बेंड करके हमने ये रेक्टेंगल बनाया है, तो इसका जो पेरीमीटर है वो क्या होगा, 36 होगा, क्योंकि ये टोटल वायर मतलब ये टोटल रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वी सी द एग्जाम्पल, दैट इज फाइंड इट्स डायमेंशन इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, so you know that is this one is the these are the lengths and these are the breadths, so area of the rectangle is equals to length into breadth, and how we can find out the perimeter, perimeter is equals to addition of four sides, that is l plus b plus l plus b, that is 2l plus 2b, our taking two common, so in bracket we'll get l plus b, so this is nothing but the perimeter, and this perimeter we are given, that is 36 meter. So let the dimension of the rectangle are, we consider it as L and B, and the perimeter you are given, that is 36 meter. So 2 into L plus B is equals to 36. So L plus B is equals to, so 2 comes divide here and we get here 18. So B is equals to 18 minus L. Is dono mein se ek ki value humne nikal di hai, this is the equation number 1. So area of the rectangle is equals to L into B, so A is equals to L into B is nothing but 18 minus L. Now solving this, A is equals to 18L minus L square. So this is the equation of this example. जैसे हमने इसके first question में, that is question number 9 में solve किए थे example, कि हमें एक function दिया जाता था f of x is equals to something like this one. In this example, first we have to find out this main equation, जिसमें मैंने हर एक एग्जांपल में ऐसा स्टार किया है। ये स्टार इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व इट। सो तो जो स्टेप्स मैंने नाइन्थ एग्जांपल में बताए थे कि जब हमें ये इक्वेशन मिलता है तो फॉर्म पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, देन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो कंसिडर करके दो वैल्यूज जो वेरिएबल हो रहता है एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वो वैल्यू हम फिर से एफ डैश ऑफ एक्स में डालते हैं, वो सारे स्टेप्स हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकालेंगे, दैट इज डी ए बाई डी एल इज इक्वल टू द डेरिवेटिव इज 18 माइनस 2l। आफ्टर दैट वी टेकिंग द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो डी टू ए बाय डी एल स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2, बिकॉज इसका डेरिवेटिव जीरो होगा तो उसका डेरिवेटिव है माइनस 2। अभी माइनस 2 इज लेस दैन जीरो, सो द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस दैन जीरो। अगर ये लेस देन जीरो है मतलब उसका एरिया जो है वो मैक्सिमम है। हमने ये पढ़ा है कि अगर द वैल्यू इज लेस देन जीरो देन द फंक्शन इज मैक्सिमम, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो इट इज मिनिमम। सो एरिया इज मैक्सिमम इफ डी ए बाय, सो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि एरिया इज मैक्सिमम। देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है कि हम जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको जीरो कंसिडर करते हैं, सो डी ए बाय डी एल इज इक्वल टू जीरो। So what is the value of dA by dL? It is 18 minus 2L is equals to 0. So from that we find out the value of L. Now we have to put down this value of L in this equation, first equation. And we can find out the B. So B is equals to 18 minus L. So 18 minus 9. So B is also 9. So dimensions of the rectangle for which the area is maximum. हमने पहले find out किया कि area is maximum. And at that time the dimensions, that is length is 9 meter and breadth is also 9 meter. Matlab actually it is a, it's not a rectangle, it's a square. Now see the question number 13. A ball is thrown in the air. Its height at any time is given by
sorry, I repeat the example. A ball is thrown in the air. Its height at any time t is given by h is equals to 3 plus 14 t minus 5 t square. Then find the maximum height it can reach. So, ये पहला example हमें मिला है word problem में कि जिसका equation हमें पहले से दिया गया है. So, h is equals to 3 plus 14 t plus 5 t square. So, this is the equation. So, the steps you know that is the first order derivative first we have to find out. So, dh by dt is equals to 14 minus 10 t. After that, we find out the second order derivative. So, d2h by dt square is equals to iska derivative 0, iska derivative minus 10. Since it is less than 0, the second order derivative is less than 0. Matlab, jo height hai wo maximum hai. So, the height is maximum. So, here we have to put down the first order derivative is equals to 0. So, dh by dt is equals to 0. So, dh by dt is 14 minus 10 t is equals to 0. From this, we can find out the value of t. So, t is equals to 14 upon 10. So, we can write it like this one, that is 1.4, or we can write by 7 upon 5. So, we have to put down this value of 7 upon 5 in equation 1. So, this is my equation 1. Jo hume first equation diya gaya tha, usme hume value put down karenge. So, h is equals to 3 plus 14 into bracket 7 by t. Yahan pe t hai, toh humne value put down ki 7 by 5 minus 5 into t square. So, 7 upon 5 ka square. So, h is equals to 3 plus taking product. So, we'll get 98 upon 5. Ye solve karke bhi hume mila 49 upon 5. So, in donon ka maine pehle LCM liya hai. LCM leke hume mila 49 upon 5 and 3. So, again taking the LCM. So, finally we get 64 upon 5. That is nothing but the 12.8. Matlab, the maximum height the ball can reach is 12.8 unit at when the time is 7 upon 5. Now see the example number 14. So find the largest size of the rectangle that can be inscribed in a semicircle of radius 1 unit so that two vertices lie on the diameter. Now see, this is a semicircle and this one is the diameter. So two points lies on the diameter, so D and C lie on the diameter. And यहाँ पे हमने एक rectangle draw किया है, उसके दो points अभी circle पे है. And here the center of this circle, semicircle, and here we join this AO. So AO is nothing but the radius of this semicircle, which is given as a 1 unit. So ये जो total distance है DC वो हम x consider कर रहे हैं. So अगर DC अगर x है तो ये भी total distance x ही होगा. ये y है तो ये y होगा since the sides of the rectangle. ये AO, ये O जो point है, it is the center of the circle and at equal distance we put this D and C. So अगर DC x है तो ये DO and OC they are x by 2. So DO distance is x by 2 and OC distance is also x by 2 and we have to find out, that is find the largest size of the rectangle. Size the largest चाहिए मतलब उसका area जो है वो maximum चाहिए that can be inscribed in the semicircle of radius 1 unit so that the two vertices lie on the diameter. So length हमने x consider की थी और breadth थी y. So in triangle ADO, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, ये जो triangle है, since it is a rectangle, this angle is of 90 degree. So ADO ये जो triangle है, इसको हम Pythagoras theorem लगाने वाले हैं. तो आपको पता है कि ये side y है, ये 1 है और ये जो total OD है वो x by 2 है. So in triangle ADO, AO is equals to 1, that is radius. So by Pythagoras theorem, AD square plus OD square is equals to AO square. So y square plus x by 2 square is equals to 1 square. So y square plus iska square hua x square by 4 is equals to 1. So by solving this, we find out the value of y square. So 1 minus x square upon 4. So y square is equals to the LCM is 4 and taking cross will get 4 minus x square. After that, taking the square root of both sides, we'll get y is equals to root 4 minus x square upon 4.
So y is equals to taking 4 outside, that is 1 by 2 root 4 minus x square. नाउ यहाँ पे हमें जो यहाँ पे जो फॉर्मूला है दैट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज़ लेंथ इन टू ब्रेड्थ. सो जो लेंथ है वो x है और ब्रेड्थ है तो y है. सो एक्चुअली द फॉर्मूला इज एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इन टू ब्रेड्थ, बट लेंथ x है एंड ब्रेड्थ इज y. So we putting this value, so x is as it is. Just here we find the value of y. So we putting the value of y here, that is half into root 4 minus x square. So x by 2 root 4 minus x square. So this is our star equation. जिसका हमें derivative निकालना है वो equation हमने यहाँ पे find out किया है. So here we taking the first order derivative. तो यहाँ पे दो functions है, so we going to apply the u into v rule. सो ये ऐसे ही रहेगा द डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट. सो रूट में है, सो वन रूट एक्स का जो डेरिवेटिव रहता है वो वन अपॉन टू रूट एक्स. सो वन अपॉन टू रूट एक्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट. सो द डेरिवेटिव ऑफ फोर इज जीरो एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट इज टू एक्स माइनस टू एक्स सिंस देयर इज अ माइनस साइन. प्लस ये ऐसा ही रहेगा इन टू डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट. सो द डेरिवेटिव ऑफ हाफ एक्स इज हाफ. तो यहाँ पे मैंने लिखा है हाफ. Now the next step, that is dA by dx is equals to minus x into x, x square upon 2 root 4 minus x square as it is, plus root 4 minus x square upon half. Now we are going to take the LCM, so 2 into 2 that is 4, root 4 minus x square taking cross, so minus 2x square plus taking this cross, so 2 into the root will get cancelled and in bracket will get 4 minus x square. सो यहाँ पे हमें dA by dx मिला, तो थोड़ा सा हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है मैंने. सो 2x square plus 4 2s are 8 and minus 2x square and the denominator is as it is. तो यहाँ पे हमें 8 हम पहले लिखेंगे एंड ये दोनों को सॉल्व करके हमें मिला minus 4x square upon 4 root 4 minus x square is as it is. इससे हमने 4 कॉमन निकाला है. सो 4 4 विल गेट कैंसिल इन ब्रैकेट विल गेट 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये हमारा dA बाई dx हुआ dA बाई dx. सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू तो हम क्या करते हैं यहाँ पे dA बाई dx को हम 0 कंसिडर करते हैं. तो हमने 0 कंसिडर किया तो ये इस साइड पे जाके हमें मिला 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2. तो एक्स की वैल्यू हमें मिली रूट 2. तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वाई, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव दैट इज वाई इज इक्वल्स टू हाफ रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे हमने वाई की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पे हम वो वैल्यू पुट डाउन करेंगे रूट 2 ब्रैकेट स्क्वायर. सो बाय सॉल्विंग इट विल गेट हाफ इंटू रूट 4 माइनस 2 दैट इज हाफ इंटू रूट टू. सो रूट टू इंटू रूट टू रूट टू विल गेट कैंसल. सो विल गेट हियर वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट टू. सो यहाँ पे हमें एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है. तो आफ्टर दिस वी कैन टेक द यहाँ पे हमने एग्जाम्पल सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके आगे का पार्ट सॉल्व किया था टू फाइंड आउट द डायमेंशंस दैट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ. लेकिन अगर हमें एरिया जो है वो उसका लार्जेस्ट है ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम ऐसे भी आगे जाके कर सकते हैं. दैट इज़ आफ्टर दिस वी हैव टू टेक दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड पुटिंग द वैल्यूज दैट इज एक्स रूट टू एंड वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट टू एंड द आंसर मस्ट बी लेस देन 0 टू गेट द एरिया मैक्सिमम. तो ये दोनों वैल्यूज जो है एक्स एंड वाई वो वैल्यू हम उसमें पुट डाउन करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो लेस देन 0 ही मिलेगा. बिकॉज हमें एरिया क्या चाहिए मैक्सिमम चाहिए बिकॉज वी हैव गिवन दैट इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द रेक्टेंगल मतलब एरिया भी मैक्सिमम है. तो इसके बाद हमें क्या करना है वो आप करने वाले हो कि जो dA by dx हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था ये वाला उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालोगे यूजिंग u अपॉन v रूल एंड जो आंसर आता है उसमें हम x एंड y की वैल्यू पुट डाउन करेंगे x इज इक्वल्स टू रूट टू एंड y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट टू
and your answer must be less than 0 to get the area maximum. So the next example, that is example number 15. So see the example. So an open cylindrical tank whose base is a circle is to be constructed of metal sheets so as to contain the volume of pi a cubes cubic centimeter of water. Find the dimensions so that the sheet required is minimum. तो हमें क्या दिया है, एक ओपन सिलेंड्रिकल टैंक दिया है. ये ओपन है पूरा पार्ट एंड बेस इज अ सर्कल. एंड ये जो सिलेंड्रिकल टैंक बना है वो एक मेटल शीट से बना है. एंड सो एज टू कंटेन अ वॉल्यूम ऑफ, सो इससे ये जो सिलेंड्रिकल टैंक बना है तो वो इस प्रकार का टैंक है कि उसका जो वॉल्यूम है अंदर का जो पार्ट है टोटल, उसमें अगर हम वाटर भरने वाले हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई ए क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर होगा. तो हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं इस शीट्स के सो दैट द एरिया, सॉरी फाइंड द डायमेंशन सो दैट द शीट रिक्वायर्ड इज मिनिमम. तो हमें उसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं कि जो हमें जो शीट यहाँ पे चाहिए वो उसके डायमेंशन कम से कम हो. तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे रेडियस है, ये जो है हाफ परपेंडिकुलर हाइट एंड वॉल्यूम यू आर गिवन दैट इज पाई ए क्यूब. सो लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ द टैंक इज आर एंड एच. सो यू नो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. सो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज पाई आर स्क्वायर एच. तो हमें वॉल्यूम दिया गया है पाई ए क्यूब, सो पाई विल गेट कैंसल्ड एंड वी गेट एच इज इक्वल्स टू ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर. तो यहाँ पे हमने h की वैल्यू निकाली है, इसको हम इक्वेशन वन बोलेंगे. आफ्टर दैट द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक. तो ये जो टैंक है सिलेंड्रिकल टैंक, इसमें कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं. अभी ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो एक आएगा और ये बेस का पार्ट आएगा, ऊपर का पार्ट इसको नहीं है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सी एस मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. सो यू नो इट इज दैट इज 2 पाई आर एच एंड द बेस एरिया. सो बेस एरिया इज नथिंग बट द पाई आर स्क्वायर. तो हम इन दोनों का एडिशन करेंगे टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक. तो 2 पाई आर, वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच दैट इज ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. सो दिस आर आर विल गेट कैंसल, सो वी गेट हियर 2 पाई ए क्यूब अपॉन आर प्लस पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये हमारा इक्वेशन है स्टार इक्वेशन. तो इसका डेरिवेटिव होगा दैट इज 2 पाई ए क्यूब इज कॉन्स्टेंट एंड 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई इज एज इट इज एंड इसका डेरिवेटिव होगा 2 आर. सो 2 पाई आर, तो यहाँ से 2 पाई कॉमन हम निकालेंगे तो हमें मिला डी ए बाई डी आर इज इक्वल्स टू 2 पाई इन ब्रैकेट माइनस ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर. सो दिस इज वी कंसिडर इट एज अ सेकेंड इक्वेशन. सो फॉर मिनिमम एरिया just here we taking that is actually यहाँ पे हम first क्या लेंगे, the second order derivative हम पहले ले लेंगे. तो second order derivative इसका क्या हुआ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है that is differentiating with respect to x second equation. So डी टू ए बाय डी आर स्क्वायर दैट इज दिस 2 पाई इज एज इट इज यस माइनस ए क्यूब इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. तो हमने यहाँ पे ले लिया आर स्क्वायर जो है वो ऊपर आके माइनस 2 उसका पावर होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है. तो उसका डेरिवेटिव होगा एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, सो माइनस 2 रेस इंटू आर रेस टू माइनस 3. तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस 1. ये हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू आर नॉट एक्स. एक्स की आदत पड़ जाती है तो इसलिए एक्स यहाँ पे आया गलती से. सो डी टू ए अपॉन डी आर स्क्वायर, सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर ये मैंने फाइंड आउट किया है. थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज 2 पाई यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा ए क्यूब इंटू 2 आर रेस टू माइनस 3 प्लस 1. तो यहाँ तक आके हम थोड़ा सा ठहर जाते हैं, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे. ये फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, पुटिंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0 फॉर मिनिमम एरिया. तो यहाँ पे हम डी ए बाय डी आर जो यहाँ पे फाइंड आउट किया था इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे. सो माइनस ये यहाँ पे जाके 0 होगा
माइनस ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू यहाँ पे जाके माइनस होगी, तो ये मल्टीप्लाई होके आर क्यूब मिलेगा, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, सो आर इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली आर की, दैट इज ए मिला है। तो यहाँ पे एच इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, एच का जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, सो वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एज ए। सो यहाँ पे हमने ए पुट करके ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर हमें, तो एच इज इक्वल टू ऑल्सो ए, एंड नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन दिस वैल्यू आर इज इक्वल टू ए, एच इज इक्वल टू ए इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे आर आया था, तो आर के बदले हम क्या लिखेंगे, ए। तो ये सॉल्व करके हमें मिला, तो यहाँ पे आप देख लो टू ऐसे ही रहेगा, एंड ए रेस टू, दोनों का बेस सेम है, तो 3 माइनस 3 दैट इज 0, एंड एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो ए रेस टू -3 है उसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे टू मेक इट पॉजिटिव, सो 2 पाई इन ब्रैकेट ए क्यूब प्लस 2 अपॉन ए क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पे जो ए क्यूब होगा वो कैंसिल होगा, थोड़ा फिर से देख लो, ए क्यूब इंटू 2 ए रेस टू -3, वी गोइंग टू मेक दिस पावर पॉजिटिव, सो ए क्यूब इंटू 2 अपॉन ए क्यूब, सो ए क्यूब इंटू 2 अपॉन ए क्यूब, सो ए क्यूब विल गेट कैंसिल, सो 2 प्लस 1 यहाँ पे हमें 3 मिला है, सो 2 पाई इंटू 3, सो टोटल वी गेट हियर 6 पाई, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर दैन 0, एंड सो यहाँ पे हमें मिला कि एरिया इज मैक्सिमम व्हेन द आर इज इक्वल टू ए एंड एच इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ठहर जाते हैं, 15 तक एग्जाम्पल मैंने ली है, द एग्जाम्पल्स फ्रॉम 16 टू 24 आई विल मेक इट सेपरेट वीडियो फॉर दिस वन। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, आई विल टेक दिस एग्जाम्पल्स फ्रॉम 16 टू 24 इन अ सेपरेट वीडियो। थैंक यू।